गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी लुकिंग अराउंड टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 4 चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलो मिलते हैं कुछ बच्चों से जो अपने स्कूल कैसे पहुंचते हैं। ट्राई दिस, कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर, ट्राई वॉकिंग ऑन देम, वॉश इट इजी। कुछ ईंटें इकट्ठी करो, उनको ग्राउंड में एक लाइन पे लगाओ जैसे कि पिक्चर में लगा है, और फिर उन पे चल के देखो क्या यह करना आसान था। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बाम्बू पोल्स टुगेदर, आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। एक छोटा सा ब्रिज बनाएं 4-5 बाम्बू का पोल के टुगेदर साथ में रख के, और अपने टीचर से हेल्प करने के लिए पूछें। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, अब अपने ब्रिज पर चलें। हाउ डिड यू फील, डिड यू फॉल डाउन, इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज और स्लीपर्स, वाई। आप एक ब्रिज बनाएंगे 4-5 बाम्बू का इकट्ठे लेके, और अपने टीचर से उन्हें हेल्प करने के लिए कहेंगे। अब आप ब्रिज पे चलेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, क्या आप गिर जाएंगे या कुछ समय के लिए आप चल पाएंगे, क्या आपको यह करना आसान लगा, आप क्या सोचते हैं। अगर आप इस पे नंगे पैर चलते तो आसान होता, या जूते या स्लीपर्स वगैरह पहन के चलते, ऐसा क्यों हुआ। इट रेन्स सो मच, वेयर वी लीव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बाम्बू विद द अदर, वी क्विकली क्रॉस द बाम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। ये कुछ बच्चे हैं जो अपने स्कूल में जा रहे हैं। ये बच्चे आसाम के हैं, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादातर घर और ब्रिज वगैरह बाम्बू के बने होते हैं। ये बच्चे जब वहाँ पे बारिश होती हैं तो उनके घुटनों तक पानी आ जाता है हर जगह, लेकिन ये बच्चे कहते हैं कि हमें चाहे कितनी ही मुसीबतें आएँ वो हमें स्कूल जाने से नहीं रोक सकती। हम एक हाथ में अपनी बुक्स को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बाम्बू, और इस तरीके से हम बाम्बू ब्रिज को क्रॉस करके अपने स्कूल पहुंचते हैं। वी विल टर्न ऑन दी नेक्स्ट पेज। दिस इज द सीन ऑफ लद्दाख, द ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। लद्दाख में वहाँ पे ट्रॉली में लोग बच्चे कह रहे हैं कि हमें स्कूल जाने के लिए हर रोज़ नदी को पार करना पड़ता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, नदी इतनी गहरी और डीप और चौड़ी है। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, वहाँ पे एक लोहे की रस्सी बनी हुई है नदी के पार, जिससे हम उसे क्रॉस करते हैं। ऑन बोथ द साइड्स इज इट टाइट टाइटली विद द स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। देर इज़ अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच्ड विद द रोप। 4 or 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। लद्दाख में जो बच्चे हैं उन्हें नदी को पार करके अपने स्कूल में पहुँचना पड़ता है, और वो नदी इतनी गहरी और चौड़ी होती है कि उसे तैर कर पार नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक ट्रॉली बनी होती है जिससे कि उसमें 4-5 बच्चे उस पे बैठकर पुली की हेल्प से, यानी कि जिससे रस्सी पे आराम से एक साइड से दूसरे साइड पे बच्चे पहुँच सकते हैं, इस तरीके से वो अपने स्कूल में पहुँचते हैं। लेट अस डू, ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2 इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बुक बकेट्स फ्रॉम द वेल। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, विच वुड बी ईजियर, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। आपने पिक्चर 1 को देखना है और 2 को देखना है।
आप ऑब्जर्व करो पिक्चर वन और टू को, यहाँ पे दो बच्चे हैं जो बाल्टी को कुएं से खींच रहे हैं, आपको उनमें क्या डिफरेंस अंतर दिखाई दे रहा है दोनों पिक्चर्स में, कौन सा काम करना आसान होगा बिना पुली के या पुली की हेल्प से। पुली होती है जो मतलब रस्सी आसानी से खींची जा सकती है। पहली पिक्चर में बच्चा अपने हाथ से खींच रहा है, दूसरी पिक्चर में बच्चा पुली की हेल्प से बकेट को खींच रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा कि दूसरी पिक्चर से जिसमें बच्चा पुली की हेल्प से बकेट को खींच रहा है वो आसान होगा। सॉरी, लुक अराउंड यू वेयर ऑल यू डू सी द यूज ऑफ पुलीज लिस्ट देम। अपने आपका काम है कि आप चारों तरफ अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करें, पता लगाएं कि पुली की हेल्प हम कहाँ कहाँ लेते हैं, जैसे कि क्रेन वगैरह होती हैं भारी वजन को खींचने के लिए, उनमें भी पुली लगी रहती है, जो लोहे की तार होती हैं जैसे वजन को उठाते हैं। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स आप बताएंगे। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर्स। पुली की हेल्प से आप अलग अलग तरह की चीज़ों को उठाने की कोशिश करें जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। सीमेंट ब्रिज, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज ब्रिजेज, दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, द ब्रिज मे ऑल्सो हैव स्टेप्स। हमें पानी को पार करने के लिए ब्रिज का सहारा लेना पड़ता है जो कि सीमेंट ईंटों और लोहे की रोड वगैरह से बने होते हैं। ब्रिज पे पैड़ियाँ भी बनी होती हैं, स्टेप्स बने होते हैं। हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बाम्बू ब्रिज। आप ये बताएं जो बाम्बू ब्रिज होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है सीमेंट वाले ब्रिज से। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आप क्या सोचते हैं कि लोग एक टाइम पे कितने लोग ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। हैव यू सीन हाउ डि चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। आप देखते होंगे बच्चे कितने प्रकार के ब्रिजेस का यूज़ करते हैं